जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का एजेंडा अब और साफ हो गया है। किसी को भी कश्मीर या कश्मीरियत से वास्ता नहीं, पाकिस्तान के इशारे पर जहर फैलाया जा रहा है। इसे लेकर गृह मंत्रालय में आज अहम बैठक भी हुई। जम्मू कश्मीर में हुई पत्थरबाजी में परिवार के साथ घूमने आए एक लड़के की मौत हो गई। श्रीनगर के नारबल इलाके में पत्थरबाजों ने पर्यटकों से भरी गाड़ी पर हमला कर दिया। ये वारदात कल शाम हुई। घायल लड़के ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 22 साल के थिरुमनी चेन्नई के रहने वाले थे। परिवार उनका शव लेकर वापस गया। आतंकियों के लगातार एनकाउंटर से पाकिस्तान में बैठे साजिशकर्ता पत्थरबाजों को लगातार भड़का रहे हैं। गाड़ी में बैठे पर्यटकों पर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सिर पर चोट लगने के बाद थिरुमनी को अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी मौत हो गई। सीएम महबूबा मुफ्ती ने मृतक के परिवार से मुलाकात की, घटना पर अफसोस जताया और सांत्वना दी। कल का जो सानिया हुआ है बहुत अफसोस की नाक है और मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के हमारे अपने लोगों से भी और मुल्क के लोगों से और मुल्क की हुकूमत से भी, कोई ना कोई हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा इन बच्चों को, इन जवानों को बचाने का। ये हम सब की सांझी जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी को अफेक्ट करता है, गरीब तबके को अफेक्ट करता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि टूरिस्ट को बचाएं। What happened yesterday was absolutely unfortunate. It cannot be accommodated. It is completely condemned. की घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सरकार सहन नहीं करेगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी से हुई मौत के बाद राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं। सवाल जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार से। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी से हुई मौत के बाद सियासत शुरू हो गई। ट्विटर के जरिए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीडीपी बीजेपी सरकार पर हमला किया। उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाए। घायल टूरिस्ट की मौत कल रात हुई। आज एक के बाद एक कई सियासी बयान आए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार है। विपक्ष महबूबा मुफ्ती सरकार पर विफलता का आरोप लगा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि ये सब तब हो रहा है जब हम पत्थरबाजों और उनके तरीकों का महिमामंडन करते हैं। राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए महबूबा मुफ्ती सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। मुझे लगता है इससे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। बदकिस्मती से लगातार पिछले 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं कश्मीर की वादी में वो खराब होते जा रहे हैं। वहीं पी चिदम्बरम ने ट्विटर पर लिखा, पीडीपी बीजेपी गठबंधन कश्मीर घाटी के लोगों को सबसे ज्यादा उकसाने वाली बात है। महबूबा जी, तत्काल गठबंधन खत्म करिए और जनता के पास वापस जाइए।